नरसिंहपुर से खबर, जहां पर रेत खदान के चेक पोस्ट पर फायरिंग हुई है और चेक पोस्ट इंचार्ज पर बड़ा हमला हुआ है। हमले में बाल बाल चेक पोस्ट इंचार्ज बचे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ साईखेड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। नरसिंहपुर से खबर, रेत खदान के चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई है। चेक पोस्ट इंचार्ज पर यह हमला हुआ है। गनीमत रही कि बाल बाल चेक पोस्ट इंचार्ज बचा है इस पूरे हमले में। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ साईखेड़ा थाने क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया। खबर आपके सामने नरसिंहपुर से। तो नरसिंहपुर से खबर आप देख रहे हैं, जहां पर रेत खदान के चेक पोस्ट पर फायरिंग हुई। आलोक सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। आलोक, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? गनीमत रही कि चेक पोस्ट इंचार्ज इस पूरे हमले में बच गया। देखिए, मैं आपको बता दूं, देर रात की यह घटना है और तुमड़ा चेक पोस्ट, रेत खदान जो है धनलक्ष्मी का चेक पोस्ट है, वहां पर जो आरोपी है उसने जाकर चेक पोस्ट इंचार्ज के ऊपर हवाई फायर कर दिया था। चूंकि चेक पोस्ट है तो रेत के जो डंपर आते हैं उनको रोका जाता है, उनकी रॉयल्टी वगैरह चेक की जाती है। तो इसी अंदेशे को लेकर शायद वो वहां से अपने जो डंपर वगैरह उसको निकालने के लिए कोशिश कर रहा होगा, जिसके चलते यह विवाद हुआ था। हालांकि जैसे ही उसने हवाई फायर किया और आगे बढ़ के और भाग गया था, इसके चलते तुरंत जो है उसने पुलिस ने जो है उनको गिरफ्तार कर दिया है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।